अब तक पशु पक्षी और इंसानों की दोस्ती की कई कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी। ऐसी एक दोस्ती की मिसाल शिवपुरी जिले पोहरी अनुभवा के माल वरवे गांव से सामने आया है, जहां एक ग्रामीण को एक मोर ने अपना दोस्त मान लिया है। मोर अपने दोस्त के साथ काफी समय भी बिताती है। खास बात यह है कि अपने झुंड के साथ भी रहती है। रात वे अपने झुंड के साथ बिताती है और सुबह होते ही अपने दोस्त के पास आ जाती है। माल वरवे के रहने वाले दोतल राम धाकड़ बताते हैं कि मोर का बच्चा उन्हें 3 साल पहले जंगल में अकेला मिला था। जानवर मोर के बच्चे पर हमला ना कर दें, इसीलिए वे उसे अपने साथ गांव अपने घर ले आए थे। कुछ ही माह में मोर का बच्चा बड़ा हो गया था। इसके बाद वे अन्य मोर के झुंड में शामिल हो गया था, लेकिन मोर बड़े होने के बाद भी वो मुझे नहीं भूली। अब मोर 3 साल की हो चुकी है। इसके बावजूद भी मोर मुझसे मिलने हर रोज गांव आती है। कुछ समय बिताने बाद वे अपने झुंड में शामिल होने चली जाती है। रात मोर अपने झुंड के साथ पेड़ पर गुजारती है, सुबह उठकर मेरे पास आ जाती है। मोर ने बचपन से घर का खाना खाया है। वे आज भी हर रोज घर आती है और कुछ समय बिताती है। मोर घर के बच्चों पर हमला नहीं करती है, घर के बच्चे उसके साथ खेलते रहते हैं। ऐसा पिछले 3 सालों से चला आ रहा है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो जो मोर के साथ आपका प्रेम है, तो ये कैसे क्या है? ये छोटी सा बच्चा पाला हुआ पहले। अच्छा, तो ये हमारे साथ ही जाती है हमेशा। हमेशा और ये चली जाती होगी फिर? जैसे घूमने चली जाती है, बाहर चली जाती है, फिर आपको देख कर आ जाती है? बिल्कुल आ जाएगी, बुलाएंगे तो आ जाएगी। अच्छा, और डर वगैरह नहीं लगता आपको? क्या नाम रखा है आपने इसका? इसका नाम रूबी है। रूबी नाम रखा है? हाँ। तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता आपको? अरे बच्चों बच्चे आ जाते हैं उसके पास में आपके। तो आपने पाला है उसको? कितने सालों से आप इसकी सेवा कर रहे हो? 3 साल की हो गई। 3 साल की हो गई। छोटा सा बच्चा लाए थे। अच्छा, पकड़ के तो और भी मोर वगैरह आती है इसके साथ? ऐसे नहीं, जी आ जाती है अपने पास। आपको पहचान लेती होगी? रात में जरूर पेड़ों पर चली जाएगी।